निर्णय कर रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक समाधान परक पत्रकारिता एक समृद्ध भारत की ओर इस विषय को लेके सारे भारत में एक मुहिम चला रहा है और पत्रकारों में सकारात्मकता है और जो कंटेंट है कंटेंट में भी सकारात्मकता है तो जनमानस जनता और समाज जो है सकारात्मक बने खुशहाल बने तो उस उद्देश्य को लेकर तो इसका जो है कल जो है लेमन होटल में पटना में इसका तीसरी लॉन्चिंग होगा। पहला तो ऑल इंडिया लॉन्चिंग माउंट आबू में हो गया 21 जनवरी को, दूसरा दिल्ली में फरवरी में हो गया, तीसरा मार्च में भोपाल में हो गया राज्य स्तरीय, और अभी राज्य स्तरीय जो तीसरा है वो है क्या नाम है पटना में होटल लेमन में कल 11 बजे होगा। और उसमें संजय झा जी आएंगे जो आपके बिहार स्टेट के जो सूचना प्रसारण मंत्री है, और केंद्र से आएंगे केंद्र प्रोफेसर ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट जो IIMC है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन उसके जो डायरेक्टर जनरल है प्रोफेसर संजय द्विवेदी वो भी उसमें अध्यक्षता करेंगे सेमिनार में, और कल इस तरह का प्रोग्राम होगा। मेन चीज़ है कि इसका जो मेन मुद्दा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था 2022 और 23 को जो है एक करुणा और दया के वर्ष में मना रहा है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा दया और करुणा जन जन में जागृत करें, तो ये एक हमारे स्लोगन एक वो लेख ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा कल दिन में 11 बजे लेमन ट्री होटल में मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनके अंदर सबसे पहले आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा समाज में बदलाव लाने के लिए उनको प्रेरित करना है, क्योंकि समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं और जो हालात हैं बिल्कुल सही है जो कुछ भी हो रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है सो बताना चाहिए समाज को, लेकिन हम किसी भी चीज़ को जैसे परोसते हैं तो पहला हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज में क्या जा रहा है, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, युवाओं पर, और इसलिए उसको किस तरीके से लोगों के सामने दिया जाए जिससे कि समाज में भय उदासीनता का वातावरण बनने के बजाय सकारात्मक वातावरण बने और जागरूकता लोगों के अंदर आए, और इससे हम इस भारत को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कुल कितने पत्रकार आ रहे हैं कल, कहाँ कहाँ से पत्रकार आ रहे हैं? बिहार राज्य के अंदर राजधानी में जितने भी करीब करीब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सभी को इनवाइट किया है हम लोगों ने, और मुझे आशा है कि करीब करीब सभी पहुँचेंगे।